बलबीर है और आज सिख कौम के बानी साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का आगमन पर्व है और कश्मीर में हम ये पर्व मना रहे हैं। और गुरु नानक पातशाह, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, सिख कौम के बानी हैं। उसके बाद 9 और गुरु साहब इसमें ऐड हुए और उसके बाद में उनकी जितनी भी आइडियोलॉजी थी उसको साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि हमारा इस वक्त प्रेजेंट गुरु है, उसमें इनकलकेट किया गया। तो गुरु नानक पातशाह के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड, उन्होंने इक्वालिटी, उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए जो बातें कहीं वो अपने आप में एक मायने रखती हैं, बड़े ही इमेंसफुल और बड़े ही यूज़फुल हैं वो। तो आज के दौर में जब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक माहौल बना हुआ है, उस माहौल में गुरु नानक साहब की जो आइडियोलॉजी है उसकी रेलेवेंस और भी बढ़ जाती है। सो के दिन के ज़िमन में मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरु नानक साहब की जो आइडियोलॉजी है ब्रदरहुड की, हारमोनी की, पीस की, हमें चाहिए कि उस पर हम अमल करें और उसी से पूरे वर्ल्ड में एक ब्रदरहुड जैसा एक पीस प्रवेल हो सके। एक रास्ते खड़ा होकर समाधि भी कर रहे हैं और बड़े देखिए जी संत किसे जुड़ी हुई है। शब्दियां तो बढ़िया दिल टूम गया सन, बग्गा बग्गे कपड़े दूसरी नहर मारी गए उस कोठी में, उस नहर में कोई नहीं गया। ये नहर सारा शरीर है जिस पर सजाया होया है पर आनंद वाहिगुरु वाहिगुरु बाहर जाए किया रस्ताना
सकती है। नाम सदा गुरमीत सिंह बाली, ट्रेजरर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर। आज हम पहली पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पुरब बड़े हर्षोल्लास से पूरी वैली की संगत और जितने भी हमारे और भाई हैं वो यहाँ पे आज कीदा करने गुरुद्वारा छेवीं पातशाही रैनावाड़ी काठी दरवाज़ा में पहुँच रहे हैं। आज ही के दिन साल 1669 में साहिब श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय पोई की तलवंडी जिला शेखोपुरा जो कि पाकिस्तान में आजकल ननकाना साहिब वहाँ पे हुआ था। मेहता कल्याण दास माता तृप्ता जी के घर उसी ही सिलसिले में जो वैली का सबसे बड़ा इज्तम है वो गुरुद्वारा छठी पातशाही गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जो दार छवी जोत साहिब श्री गुरु नानक देव जी की यहाँ पर मनाया जा रहा है, जहाँ पर कथा कीर्तन लेक्चर इत्यादि गुरु जी के जस भाई साहब और भी जितने जो भी हमारे बुद्धिजीव हैं वो आज के दिन गुरु जी के जीवन पर रोशनी डालते हैं और हम अरदास करते हैं। जो गुरु साहिब जी का फलसफा है नाम जपना कीर्त करना वर्ण छकना जो उन्होंने हमें उपदेश दिए हैं मानवता की बात कही है, यूनिटी की बात कही है, सारे यूनिवर्स को साथ लेकर चलने की बात कही है, उस पर हम पूरे उतरें। और मैं अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से सारे जगत को जो है जो भी पूरे यूनिवर्स में अब दिल की अमनी गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। ठीक है।